So students, we will be studying the concepts of inflationary and deflationary gaps. Very important portion from aggregate demand and aggregate supply. Okay, it frames a good question of maximum 5 marks in exam. तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स पहले डायग्रामेटिकली आपको आराम से साथ में समझने हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट आई एम डूइंग इज टेकिंग अप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0. यहाँ पे आप इनकम भी ले सकते हो, यहाँ पे आउटपुट भी ले सकते हो, ठीक है? यहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट भी ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. यहाँ पे आप ए डी एंड ए एस के कर्व्स यहाँ पे लोगे, ठीक है? यहाँ पर भी बिल्कुल सेम मैं वैसे ही डायग्राम बनाने लगी हूँ, एक्स वाई एंड ओ, इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, फाइन. और यहाँ से हम ए डी एंड ए एस ये लेंगे, ठीक है? ये अब दोनों ही लेवल साइमल्टेनियसली आपको पढ़ने हैं. तो सबसे पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि ए एस का बिहेवियर क्या है, दैट इज़ एग्रीगेट सप्लाई. तो एग्रीगेट सप्लाई इज़ ए कर्व दैट शूट्स डायरेक्टली स्ट्रेट फ्रॉम द ओ एक्स एंड सिमिलर इन दिस केस. तो ए एस ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है, तो ये 90 डिग्री एंगल को हाफ करता है, इसीलिए हम इसको 45 डिग्री के लेबल करते हैं. यहाँ पर भी ये इसको 90 डिग्री को हाफ करता है, इसीलिए 45 डिग्री को लेबल करते हैं. अगर आप सोचो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक ऐसा स्टेज है, जैसे सपोज करो ये एंड दिस वन, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो चीज़ शो कर रही है दैट इज़ आपकी यहाँ पर कंजम्पशन और सेविंग भी शो की जाती है, राइट? कंजम्पशन और सेविंग. और यहाँ पर आपकी इनकम शो की जा रही है वाई, जिसको आप कहते हो. तो यू नो ए एस क्या होता है, ए एस इज़ इक्वल टू वाई एंड वाई इज़ इक्वल टू सी प्लस एस, इफ़ यू आर क्लियर विद दिस स्टेटमेंट. तो वही चीज़ यहाँ पे शो कर रही हूँ कि ये अगर ए एस का कर्व है, ठीक है, तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बराबर होगी. तो यहाँ पर क्या शो किया जा रहा है, यहाँ पर इनकम, यहाँ पर क्या शो किया जा रहा है, यहाँ पर सी एन एस शो किए जा रहे हैं. तो इसका मतलब कि इनकम एज वेल एज सी प्लस एस दैट इज इक्वल टू बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है? तो इसलिए ए एस का ये सिग्निफिकेंस है, वाई इट इज़ ए 45 डिग्री लाइन. अगर कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए. बिसाइड्स दिस, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसके अलावा ए डी का क्या बिहेवियर होता है. ए डी का बिहेवियर होता है कि वो हमेशा यहाँ से स्टार्ट करती है और इसके बिल्कुल इस तरह से जाती है. ए डी का कर्व इस तरह से होता है, लाइक दिस. हेयर ऑल्सो ए डी का कर्व इज दिस. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. देन आफ्टर दैट, हर तरह के कर्व में, मतलब आपको कहीं पर भी इसमें शो करना है, तो यहाँ पर क्या होता है, ए डी और ए एस जहाँ पर इक्वल होते हैं वहाँ पर हम मानते हैं इक्विलिब्रियम. क्या मानते हैं वहाँ पर? इक्विलिब्रियम. सपोज करो कि यहाँ पर ये जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है और यहाँ पर ए डी ए एस मिल रहे हैं, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है. और इस लेवल पर ये जो आउटपुट है हमारा, ये क्या है, जैसे सपोज करो यहाँ पर 5 बॉक्सेस बनाए जा रहे हैं, ठीक है, इन बोथ द केसेस, एंड ऑन दिस पॉइंट ऑफ ई 5 बॉक्सेस बनाए जा रहे हैं. इतनी सी बात क्लियर हो गई. अब बात ये है कि एक हमारे पास लेवल होता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वो होता है जहाँ पर सारे देश के लोगों को जो काम करने की इच्छुक हैं उन्हें नौकरी मिल जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. सपोज करो यहाँ पर चाहे ए डी ए एस इकॉनमी में यहाँ पर इक्वल हो रहा है, मतलब 5 बॉक्सेस बनाने पर ए डी ए एस इक्वल के आ रहा है, उसके बिल्कुल बराबर आ रहा है, बट जो फुल एम्प्लॉयमेंट है सपोज करो वो यहीं पर मिल रही है हमें. सपोज करो कि फुल एम्प्लॉयमेंट तो यहीं पर मिल रही है, अगर इतना लेवल प्रोड्यूस किया जाएगा तो हमें फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर मिल रही है. तो अगर ऐसा केस आता है, देखो देश में चाहिए क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए. 5 बॉक्सेस हो ना हो ये ज़रूरी नहीं है, बट देश में क्या चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट. सपोज करो कि ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट यहीं पर इतना करने से ही हमें मिल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या, ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर एक गैप रह जाता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम से पहले लाई करता है ऐसा गैप. और इस गैप से पता क्या लगता है कि ए डी ये वाला कर्व ऊपर है और ए एस का कर्व क्या है, नीचे. इसका मतलब दिस गिव्स राइज टू द सिचुएशन कि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, एग्रीगेट सप्लाई नीचे और एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा. इसका मतलब जब सप्लाई कम होती है इकॉनमी में और डिमांड ज़्यादा हो रही होती है चीज़ों की, तो क्या होता है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं. इसलिए ऐसे गैप को हम क्या नाम देते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप. इन्फ्लेशनरी गैप का नाम देते हैं. और ऐसी सिचुएशन क्योंकि डिमांड ज़्यादा है इसीलिए इसको एक्सेस
डिमांड का भी नाम दिया जाता है. इज़ दैट क्लियर टू यू? इसको एक्सेस डिमांड भी कहते हैं. सेकेंडली, अगर मैं यही केस आपको यहाँ पर बताऊँ, मैं कह रही हूँ 5 बॉक्सेस यहाँ पर जनरेट होते हैं, ई लेवल यहाँ पर है, बट फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर नहीं आ रहा, मतलब ई लेवल पर नहीं आ रहा. फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. तो यहाँ पर अगर फुल एम्प्लॉयमेंट ऐसे आ रहा है तो इसका मतलब एक गैप फिर यहाँ पर लाई कर रहा है. और ये वाला जो गैप है यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि ये जो सप्लाई कर्व है ये ऊपर है और एडी का कर्व नीचे है. तो इसका मतलब यहाँ पर क्या सिचुएशन आ रही है कि एडी इज़ लेस देन एएस. और अगर इकोनॉमी में सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड हो नहीं रही तो क्या करेगा प्रोड्यूसर? चीज़ों को बेचेगा, स्टॉक को क्लियर करेगा, सस्ती में बेचेगा. तो ऐसे गैप को हम क्या नाम दे देते हैं? डिफ्लेशनरी गैप. ठीक है, और इसको हम, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है तो इसको हम एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन भी कह देते हैं या डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन भी कह देते हैं. इन अदर वर्ड्स, आपको क्वेश्चन में बेटा ज़रूरी नहीं कि इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप का क्वेश्चन हो, आपको एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई का भी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली पूछा क्या है. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम वहाँ पर अटेन होता है जहाँ पर एडी और एएस एक दूसरे के इक्वल हों. तो मैंने आपको बोला कि जब मैं आउटपुट ऑफ 5 बॉक्सेस प्रोड्यूस करती हूँ तो एडी एएस इक्वल हो जाते हैं दोनों में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 5 बॉक्सेस प्रोड्यूस हो रहे हैं. बट एक केस ऐसा बताया मैंने कि जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट इकॉनमी में पहले ही आ जाती है, मतलब 5 बॉक्सेस प्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है, शायद 3 बॉक्सेस प्रोड्यूस करने से ही फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो हमें और क्या चाहिए? ऐसी सिचुएशन के अंदर पर एक गैप रह जाता है जिस गैप के थ्रू डिमांड जो होती है वो ज्यादा हो जाती है और सप्लाई हो जाती है कम. जब डिमांड ज़्यादा हो, अनियंस थोड़े से हैं मार्केट में और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो सेलर क्या करता है? महंगे करके बेचता है. तो दैट इज़ ए केस ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप. और दूसरा केस क्या है कि चाहे इकोनॉमी में 5 बॉक्सेस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम आ रहा है, डिमांड जितनी हो रही है उतनी सप्लाई हो रही है, ओके है, बट देश में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही, वो आगे जाके आएगी शायद 7 बॉक्सेस पे. तो ऐसे केस में क्या होगा? एक गैप जनरेट करेगा और इस गैप को हम क्या बोलेंगे कि जो सप्लाई है वो यहाँ पे ज़्यादा है और डिमांड जो है वो कम है, इसीलिए एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है. और अगर चीज़ों की डिमांड बहुत कम हो और सप्लाई बहुत ज़्यादा हो इकोनॉमी के अंदर तो क्या होता है बेटा? तो उस केस के अंदर चीज़ें सस्ती करनी पड़ती हैं, डिफ्लेशनरी गैप राइज होता है. अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है या तो ये आएगा या ये आएगा, और इसका साथ ही में सोल्यूशन या कॉजेज पूछे जाते हैं. दैट आई एम कवरिंग अप इन नेक्स्ट वीडियो.